अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड कि हम रिवॉर्ड्स किस तरह से लें, कंक्लूडेड कि जब हमारे पास रिवॉर्ड मोर और लेस में से हमें सेलेक्ट करना हो तो हम हमेशा मोर सेलेक्ट करेंगे, और नाउ और लेटर में से सेलेक्ट करना हो तो हमेशा नाउ सेलेक्ट करेंगे, राइट। सो दिस लीड्स अस टू द कॉन्सेप्ट कि हम किस तरह से इस सब को मैथमेटिकली डिफाइन करें, ठीक है। तो मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए वी यूज अ थिंग दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग, ठीक है। जब हम डिस्काउंटिंग की जब जब हम बात करेंगे एमडीपीस में, तो इट मींस इफ यू स्टडी इकोनॉमिक्स, तो हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको आप डिस्काउंट रेट कहते हैं, कि जो हमारे फ्यूचर रिवॉर्ड्स हैं उनकी वैल्यू थोड़ी कम होगी ना एज कम्पेयर टू द करेक्ट करंट रिवॉर्ड्स। सो अब कितनी कम होगी, इट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि हमारा डिस्काउंट रेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपका रिवॉर्ड, अगर आज जो भी रिवॉर्ड है आपको पूरा मिल रहा है, ठीक है, कोई एक रिवॉर्ड है जो आपको आज पूरा मिल रहा है, सो नेक्स्ट स्टेप पे दैट रिवॉर्ड विल बी डिकेड बाय सम कांस्टेंट गैमा, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड। दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट गैमा इज कॉल्ड डिस्काउंटेड। अब कुछ टाइम बाद वो आपको मजीद कम मिलेगा, ठीक है, जिसको आप गैमा स्क्वायर कहोगे। और अगर नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से देखोगे तो आपका डिस्काउंटेड और बढ़ जाएगा, तो वो गैमा क्यूब हो जाएगा, देन गैमा की रेस्ट पावर 4, देन गैमा रेस्ट पावर 5, सो एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग, ठीक है। तो हम डिस्काउंट करते किस तरह हैं और हम डिस्काउंटिंग से जाते क्यों हैं, डिस्काउंटिंग की जरूरत क्या है, दिस वी गोना डिस्कस। सो अगर आप ही आपका रिवॉर्ड 1 है, ठीक है, एक आज के टाइम पे अगर अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है आप में, उसमें अगर आपका रिवॉर्ड 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप पे आपका जो रिवॉर्ड होगा वो 1 मल्टीप्लाई बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे वो फिर से जो है, जो लास्ट स्टेप होगी उसका मल्टीप्लाई बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी उसमें भी जो लास्ट स्टेप है उसका मल्टीप्लाई बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जिसमें वैल्यू ऑफ गैमा जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग वर्क्स, कि आपका जो इस डायग्राम में आपको सब नजर आ रहा है कि पहले स्टेट पे 1 है, देन वो इवेंचुअली डिस्काउंट रेट आपका बढ़ता जाता है, डिस्काउंट रेट से वो मल्टीप्लाई होता जाता है। सो दिस इज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर, एंड इट्स नेसेसरी टू मेक आर एल्गोरिदम कन्वर्ज। ये इसीलिए यूज होता है कि एक टाइम आए जब हमारा डिस्काउंट, हमारा जो एल्गोरिदम है वो कन्वर्ज हो जाए। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरा डिस्काउंट जो है वो 0.5 है, ठीक है, सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ, कि पहले मैं 1 पे, फिर 2, फिर 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू कुछ ऐसे होगी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज टू पावर 0, क्योंकि शुरू में डिस्काउंट 1 होता है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज टू पावर 1, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर, राइट। सो इन दिस कॉन्स्टेंट अगर आपके पास रिवॉर्ड की सीक्वेंस ये है, इसकी जगह आपका जो रिवॉर्ड है वो आपको 1, 2, 3 की जगह 3, 2, 1 मिल रहा है, ठीक है। और तो मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूंगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इवेंचुअली यू वुड सी, यहाँ अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको नजर आएगा कि जब मैं 3, 2, 1 पे कैलकुलेट करूंगी तो इट इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू जब मैं 1, 2, 3 पे कैलकुलेट करूंगी, जो कि आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि क्योंकि 0.5 की पावर यहाँ पे कम है, और जब मैं 3 को बड़ी पावर से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू है, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ज्यादा लेसर होगा, इसका रिवॉर्ड लेसर होगा एज कम्पेयर टू दिस 1, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 3 से कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो ऑब्वियसली जितना बड़ा रिवॉर्ड मुझे जितना पहले मिलेगा वो मेरे लिए उतना बेहतर है एज कम्पेयर टू जब मुझे एक बड़ा रिवॉर्ड बाद में जाके मिल रहा है, ठीक है। तो ये दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, और यही डिस्काउंटिंग है, और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमने अब तक बात करी कि हमें रिवॉर्ड जो है वो ज्यादा लेना है या कम लेना है, जो कि हमने लास्ट में देखा, या रिवॉर्ड नाउ लेना है या लेटर लेना है, तो रिवॉर्ड हमें हमेशा ज्यादा लेना है वो हमारे लिए बेटर है, और हमेशा रिवॉर्ड हमें नाउ लेना है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल करा दी डिस्काउंट ऑफ 0.5 की, जिसमें आपने देख लिया कि अभी मुझे बड़ा रिवॉर्ड मिले इट्स बेटर देन कि मुझे बाद में बड़ा रिवॉर्ड मिले, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ द डिस्काउंटिंग फैक्टर, राइट। तो अब हम बात करेंगे थोड़ी अपनी प्रेफरेंसेस की, जो आप खुद ये कहेंगे कि आप वैल्यूज को, आपके पास जो वैल्यूज गिवन है ऑफ सर्टेन यू नो सीक्वेंस ऑफ एक्शन आर बेटर देन द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ अदर सीक्वेंस ऑफ एक्शन। नॉर्मली अगर आपका डिस्काउंट रेट 1 है, ठीक है, नॉर्मली अगर आपका डिस्काउंटेड 1 है, देन यूटिलिटी विल ऑलवेज एंड अप एट एडिटिव यूटिलिटी, अदरवाइज डिस्काउंटेड, राइट। तो ये कुछ स्टेशनरी प्रेफरेंसेस हैं आपके, ठीक
जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर एक वैल्यू है ए वन कॉमा ए टू एंड सो एंड सो ऑन, वो ग्रेटर है बी वन कॉमा एंड सो एंड सो ऑन की सीरीज से, तो अगर उसमें आप एक फैक्टर ऐड कर देंगे तो तब भी वो ग्रेटर ही रहेगी। तो टू अंडरस्टैंड दिस, ये एडिटिव यूटिलिटी और डिस्काउंटेड यूटिलिटी में फर्क सिर्फ इतना है कि एडिटिव में आप सीधा सीधा ऐड करते हैं, और डिस्काउंटेड यूटिलिटी में आप हर फैक्टर को ये डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कि जैसे ये डिस्काउंट की पावर 0 से मल्टीप्लाई है, 0 पावर 1 से, देन पावर 2 3, देन सो एंड सो ऑन चलता जाएगा आपके पास। ठीक है, सिर्फ इतना सा फर्क है एडिटिव यूटिलिटी में और डिस्काउंटेड यूटिलिटी में, कि डिस्काउंटेड यूटिलिटी एक डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रही होती है एडिशन के साथ साथ। ठीक है जी, देन वी हैव अ शॉर्ट क्विज ऑफ डिस्काउंटिंग। तो टू डू दिस, सबसे पहला हमारे पास ये है कि आपके गामा की वैल्यू 1 है, तो ऑप्टिमल पॉलिसी क्या है? ऑप्टिमल पॉलिसी, आई टोल्ड यू अर्लियर कि ऑप्टिमल पॉलिसी उस पॉलिसी को कहते हैं जो बेस्ट हो। ठीक है, तो बेस्ट पॉलिसी क्या है? और हमेशा बेस्ट पॉलिसी क्या होगी? हमेशा हमारी बेस्ट पॉलिसी होगी जिसमें हमारा रिवॉर्ड बड़ा हो। जैसे ही रिवॉर्ड, जहां हमें रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा, वो हमारी ऑप्टिमल पॉलिसी है। ठीक है, तो डू रिमेम्बर दिस। अच्छा, प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि हम ईस्ट वेस्ट मूव कर सकते हैं और एग्जिट मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एग्जिट हो सकते हैं, ये जो पॉइंट है ना, इससे यहाँ एग्जिट है। ठीक है, ओनली अवेलेबल इन एग्जिट स्टेट्स ए एंड ई। अच्छा, सिर्फ ए एग्जिट स्टेट नहीं है, ई भी एग्जिट स्टेट है। ठीक है, और जब ई पे रिवॉर्ड 1 है, ए पे 10 है, और कहीं पे कोई भी रिवॉर्ड नहीं है, तो इट मींस बी बाकी किसी मूवमेंट पे मेरा जो लिविंग रिवॉर्ड है वो 0 है। बस ए का लिविंग, ए पे मूव करने का लिविंग रिवॉर्ड 10 है, और ई पे मूव करने का लिविंग रिवॉर्ड 1 है। ठीक है, अब क्विज में पूछ रहे हैं कि ऑप्टिमल पॉलिसी क्या होगी गैमा की वैल्यू 1 के लिए। तो वो ऑप्टिमल पॉलिसी मुझे बी के लिए भी निकालनी है, सी के लिए भी निकालनी है, और डी के लिए। लेट सपोज अगर मैं शुरू करूँ सी के लिए। ठीक है, तो सी या तो पहले मैं सी के लिए मूव करती हूँ लेफ्ट, फिर राइट के लिए देखूंगी। ठीक है, अगर मैं पहले लेफ्ट के लिए देखूँ तो सी बी पे मूव करा है, सी ने बी पे मूव करा है, और सी जब बी पे मूव कर रहा है तो मेरे पास जो जो रिवॉर्ड है वो 0 है, और जो गैमा की वैल्यू है वो 1 होगी। प्लस जब बी सी जब बी पे मूव करेगा, उसके बाद बी ए पे मूव करेगा, तो बी जब ए पे मूव कर रहा है, तो उस वक्त भी मेरा लिविंग रिवॉर्ड बी का 0 है, और गैमा की वैल्यू पहले 0 होती है फिर 1 होगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बी से ए मूव कर चुकी हूँ। अब जब फाइनली मैं ए से एग्जिट स्टेट पे जाऊंगी, तो मेरे पास ए का लिविंग रिवॉर्ड जो है वो है 10, और गैमा की जो वैल्यू है गामा स्क्वायर है, तो गैमा की जो वैल्यू गिवन है वो मेरे पास 1 गिवन है। तो सी को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रही हूँ, सी जब लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हो रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, यानी 10। अब सी को मैं जब राइट पे मूव करती हूँ, तो पहले सी जाएगा, सी से हम जाएंगे डी, तो उस वक्त मेरा लिविंग रिवॉर्ड भी 0 है, और गैमा की पावर हो जाएगी 0। फिर मैं डी से जाऊंगी ई, तो उस वक्त भी रिवॉर्ड 0 है, और गैमा की पावर हो जाएगी 1। फिर मैं ई से जाऊंगी एग्जिट, तो जब मैं ई से एग्जिट जा रही हूँ, तो लिविंग रिवॉर्ड मेरा है 1, और गैमा की पावर हो जाएगी स्क्वायर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। तो अब आप देखें, एक जगह रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है 10, और राइट पे मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है 1, तो 10 बड़ा है या 1? ऑब्वियसली 1 बड़ा है। तो द ऑप्टिमल पॉलिसी ऑफ सी इज टू मूव लेफ्ट। ठीक है, लाइक वाइज सेम यही काम मुझे बी के लिए करना है, सेम यही काम मुझे डी के लिए करना है, और ऑप्टिमल पॉलिसी फाइंड आउट करनी है फॉर बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इफ जब मेरी गैमा की वैल्यू 0.1 है, तो ऑप्टिमल पॉलिसी क्या है? तो यही काम मैं सी के लिए भी करूंगी, बी के लिए भी करूंगी, और डी के लिए भी करूंगी। लेट्स सपोज कि हम अभी जो ऑप्टिमल पॉलिसी फाइंड आउट कर रहे हैं इस सिचुएशन में, जब हमारे पास गैमा की वैल्यू 0.1 है, वो हम करते हैं बी के लिए। ठीक है, वो हम बी के लिए करते हैं, जैसे कि या सी बीच में, सी के लिए ज़्यादा टफ होगा, सी के लिए कर लेते हैं, बाकी बी और डी तो ईजी है, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो सी के लिए अगर मैं करूँ, तो सी से पहले मैं बी मूव करूँगी। ठीक है, फिर बी से मैं मूव करूँगी ए, फिर ए से मैं मूव करूँगी एग्जिट। तो सी से जब मैं बी मूव करती हूँ, तो 0 मेरा रिवॉर्ड है, गैमा की पावर 0। फिर बी सी से बी मूव करने के बाद बी से ए मूव करूँगी, गैमा की पावर 1। फिर जो है ए से एग्जिट कर जाऊंगी, तो गैमा का स्क्वायर आएगा। तो अगर मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्क्वायर करूं, ठीक है, अगर मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्क्वायर करूं, तो आई वुड गेट व्हाट? और अगर मैं सी से जाऊं डी, और फिर डी से जाऊं ई, तो
मैं सी से जब डी जाऊंगी तो 0 × γ का स्क्वायर, डी से जब मैं ई जाऊंगी तो 0 × γ की पावर 1, और जब मैं ई से एग्जिट करूंगी तो 0 × γ का स्क्वायर, यानी इसका आंसर आ रहा है 0.1 का स्क्वायर, और इसका आंसर आ रहा है 10 × 0.1 का स्क्वायर। लेट्स कैलकुलेट दिस। मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो मेरे पास 10 × 0.1 का स्क्वायर आता है 0.1, ठीक है, और 0.1 का स्क्वायर है 0.01। तो विच इज बेटर, 0.1 इज ग्रेटर 0.01 इज ग्रेटर? ऑब्वियसली 0.1 इज ग्रेटर, तो मूविंग लेफ्ट इज बेटर, इज द ऑप्टिमल पॉलिसी फॉर सी। ठीक है, लाइक वाइज आप बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डी के लिए भी। अब हमारे पास थर्ड क्विज ये है कि उसने हमें गैवा नहीं गिवन, रादर देन वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि वो हमें कंडीशन दे रहे हैं कि फॉर विच गैमा, गैमा की वो क्या वैल्यू होगी जिसके लिए बेस्ट और इक्वली गुड है व्हेन इन स्टेट डी। ठीक है, मैं हूँ कहाँ, मैं स्टेट डी पे मौजूद हूँ, और गैमा की वो क्या वैल्यू होगी जब मैं लेफ्ट पे मूव करूँ या राइट पे मूव करूँ। बात एक ही पड़ेगी, दोनों दोनों बेटर होंगे, भले मैं लेफ्ट पे मूव करूँ तो राइट पे मूव करूँ, तो गैमा की वो कैसी वैल्यू होगी, क्या डिस्काउंट रेट रखूँ ऐसा जिसके लिए अगर मैं लेफ्ट पे मूव करूँ या राइट पे मूव करूँ, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि डी के लिए लेफ्ट और राइट को हम कर देंगे इक्वल। कैसे, कि जैसे डी से ये है हमारा सी बी ए और ये हो गया ई। ठीक है, तो डी से अगर मैं यहाँ से जाऊँ लेफ्ट, तो डी से पहले मैं जाऊँगी सी, तो 0 × γ की पावर 0, प्लस फिर मैं जाऊँगी सी से बी, 0 × γ की पावर 1, फिर मैं जाऊँगी बी से ए, 0 × γ का स्क्वायर, फिर जो है बी से ए जाने के बाद मैं फाइनली ए से एग्जिट करूंगी 10 × γ³, और इसको मैं इक्वेट कर दूंगी कि मैं डी से जा रही हूँ राइट हैंड साइड पे। तो डी से जब हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो 0 × γ की पावर 0 वुड बी 0, फिर 1 ई से एग्जिट करेंगे तो 1 × γ की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल जो इक्वेशन बनेगी ये सब तो 0 हो जाएगा, जैसे 0 × γ की पावर 0 वहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई। अब क्यूब से गैमा कैंसिल हो गया तो ये बन गया r² 10 = 1। अब 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, r = 1/10। यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 1/√10 वुड बी द वैल्यू ऑफ गैमा, सो दैट वेस्ट एंड ईस्ट आर इक्वली गुड व्हेन इन स्टेट डी। राइट, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। राइट, आई होप यू गेट इट, इट्स वेरी सिंपल। राइट, देन वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट यूटिलिटी, दिस इज समथिंग वी गोना डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।